हम भारत के लोग भारत को एक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समर्थ नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने और सब में गरिमा और बंधुत्व की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध हैं। Are you all right? अबे ठीक है। Just help me nab these. हाँ? अरे, हम आपसे मदद मांगते हैं, हमसे मदद मांगते हैं? हाँ तो तुम दोनों का बयान तो देना पड़ेगा ना? पहले स्टूडियो जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर टेलीकास्ट। और ये सब मुनीश के पोस्टमार्टम से पहले। इनफैक्ट अभी। वाह। क्या बोलता है? That means कि हम दोनों नेशनल टेलीविजन पे आएंगे। What say? नहीं नहीं नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। अब एक मिनट। हेलो, ठीक है, केशव को मेंटल असाइलम लेकर जा रहे हैं। शिट, अगर तुम्हारी ये स्टोरी इस हादसे के बारे में है तो सोचो, फ्री पब्लिसिटी। हाँ, और आपके लिए एक बड़ा सेंसेशनल स्कूप न्यूज है ना? आई एम डूइंग दिस फॉर मुनीश। तो फिर वो केशव जैसों का क्या? अरे उनके लिए जस्टिस। आप जस्टिस इनसे ले लो, हम नहीं करेगा। वो इतिहास हमारे जान के पीछे पड़ा है। यार तुम समझते क्यों नहीं, हम दोनों टेलीविजन पे आएंगे, और क्या चाहिए? तुम अभी भी खेल खेलता है ना? ये ब्रेकिंग न्यूज है, 15 मिनट के बाद सब न्यूज खुल जाएगा, हमारा चेहरा याद रहेगा, तब तुम बनेगा हमारे बॉडी गार्ड। तुम एक तरीका है। बात करते हैं। क्या? अगर हम इसे सेंसेशनलाइज कर दे तो पब्लिक अपने आप बहुत क्यूरियस हो जाएगी और ये लोग इसे कवर अप नहीं कर पाएंगे। राइट, पर कैसे? हाँ, कैसे? आई थिंक आई नो हाउ। हम बोल। ओह माँ, व्हाट? नमस्कार, हम बीसी बनर्जी, आज आपको सब बताएगी। आप लोग जानना चाहते हैं ये लड़की ऐसा क्यों किया? हम बताती है। 64 आवर्स पहला हम इधर ट्रेन पकड़ने को आई, राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली टू मुंबई इसका ऑफिशियल टाइम है 17 आवर्स। ठीक ही तो बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कौन लड़ पाया है आज तक? ये क्या पढ़ती है? एनिमल फार्म, वही किताब ना जहाँ पर जानवर आदमी पे हावी हुआ, हम भी पढ़ा है। ओह गॉड, डोंट बिलीव माय लक। बाबूजी कुछ दे दीजिए। हटो यहाँ से प्लीज, हटो हटो हटो। बाबूजी भगवान है या चिड़ियाघर है कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, सॉरी कर रहे हैं यार आप, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, ट्रेन कहाँ खड़ी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गॉड, क्या
खाते गाड़ी नंबर 12952 दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12952 दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से रवाना होगी। हमारा सिचुएशन होपलेस बाबा, पर तुमको क्या, तुमको तो आम खाने से मतलब है, ठीक है तुम खाओ बाबा आम खाओ। हम ढुका देता है अब, हम ढुका देगा, इट्स फाइन, ओके। नमस्कार, हम सत्यम शर्मा हैं, हेड टीटी भारतीय रेल में आपका स्वागत है। अरे लाओ जल्दी, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो डायरेक्ट हमसे कहें। मैम थैंक यू, प्लीज मंत्री जी को हमारा प्रणाम जरूर दीजिएगा। हेलो, जरा देख के चलो यार। हाय, या रखो ने? उस्मान 5 बजे आएगा, ये चाबी पकड़। तू यहीं बैठ, टंकी खाली करके आता हूँ। कैसे हो मैडम? नहीं डार्लिंग, मैंने कब बोला? शिट, दिस डोर, जरा कर्टन बंद करेंगे आप? अभी शाम का समय है दादा। सो व्हाट, आई विल कॉल यू बैक। अभी यहाँ पार्टी करते दिखाई देंगे, देखिए जरा, शर्म भी नहीं आती इन लोगों। ऐ देखो दादा, शेम एंड प्राइड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब इनको किसी बात का गर्व भी नहीं है तो शर्म कैसा? फिर भी यार, ऐसा क्या? शिट। ये इनका इनकम टैक्स रिटर्न है, देखिए, शिट इज व्हाट दे गेट, शिट इज व्हाट दे गिव। जो सोसाइटी से इनको मिला वही सोसाइटी को दे दिया। बंद रखना। ट्रेन मॉडर्न हाल भाई। थैंक गॉड कुछ तो बदला, वरना इधर किसी को किसी का क्या पड़वा है। हेलो, मेट्रो देखा है क्या? ट्रेन बना है यार, बट द ओनली प्रॉब्लम इज उसमें किसी भी तरह के लो। तोरो की शॉप के लिए नहीं होना चाहिए क्या? हेलो हेलो ब्रो, सुना तुमने? वेल दिस मे बी माय फर्स्ट ब्रेक, एनीवे चलिए चलते हैं, सी यू सून। हमारे संवाददाता के पास एक्सक्लूसिव लाइव न्यूज़ आपको लाइव इंडिया से मिल रही है।
निशाने पर है। क्या हुक्म है? उड़ा दो साले। ओके सर। सुरेश। यस सर। उड़ा दो। ओके सर। पुलिस ने इन्हें घेरा हुआ है। देखना। क्या क्या? हाँ भाई जी, एकदम वही हुआ जैसा आपने सोचा था। बैग डमी नकली जैसा आपने कहा था। भाई जी, अगर आप कहो तो पुलिस को फोन कर दूं। ओ पागला, मरवाएगा सानू। ये डिलीवरी किसको देनी? भाई जी, हुसैन को। हुसैन को कांटेक्ट कर उसको,
और उसको बोल पेमेंट वेमेंट गई तेल लगाने। टांगे तोड़ दे उसकी, पागलपन का फितूर चढ़ाना उसके दिमाग में। हैं? आगरा भेजो साले को। और हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा अब भाई जी। ए, जब तक ट्रेन मुंबई नहीं पहुंचती यहीं पर वेट कर। अच्छा मजाक कर रहा है तू मेरे साथ? अरे साहब क्या, आप भी ना कुछ भी। अच्छा, करला करला मिठाई खावेगा, दाई ते पेट छुपा रहा है। मैंने कुछ नहीं करा साहब। अरे तेरे को पता है वहां तक बहुत हाँ, तेरे मास्टर ने मैंने फोन कर दिया है, अभी तू मिठाई ले गया है वहां से, बता। आप भी ना क्या मजाक करते हैं। अच्छा, अरे झूठ बोल रहा है। कहते हैं कोई केशव नाम का आदमी राजधानी में हथियार लेके चढ़ा। क्या, उसमें तो मिनिस्टर के माँ बाप भी हैं। फोन लगा। हेलो, क्या कर रहा है इधर? क्या कर रहा है इधर? गन कर रहा है? तू जानता है? नहीं। तुमने देखा उसे? मुझे कुछ मालूम नहीं था। उसका घर तो यहीं पे है ना? नहीं साहब। तुम इन सब से पूछो यहाँ सब से। अरे अरे इसको क्यों मार रहा है? हाँ। अब इस बच्चे को क्या पता? ओके ओके। मारा ना तेरे? हाँ मैं जाके बोलता हूँ। इसने मारा ना? अभी सॉरी बोले। रेलवे कंट्रोल रूम का मैसेज है, दिल्ली पुलिस को एक गुमराह खबर मिली है। एक मिनट, सॉरी बोलो। सॉरी। ओके चलो। ए आ जाओ। थैंक यू। वेला? नो थैंक्स। आप तो नहीं लेगा? नहीं आप? आई हैव कंपनी। कंपनी कंपनी इज ऑलवेज वेलकम। हियर यू गो। ये हमारा। हेलो, ये हाय स्वीटा, मॉर्निंग। तो इधर रखते हैं, पानी के साथ ही लेगा ना? हम सोडा के साथ। हम समझ गया, अब पानी वाला है। तू मुंबई जाकर आखिर करेगा क्या? गाड़ी साफ, बूट पॉलिश, भीख, कुछ भी, पर किसी का पालतू कुत्ता नहीं। तू हेल्प करेगा या नहीं? तू साला खुद तो मरेगा ही मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। उसे पता चल गया। क्या, किसे क्या पता चल गया? भाई जी को। क्या, उसकी लड़की के साथ मेरा? कहीं देखा टीवी पर? और किधर? अरे ओह शिट, हाउ कुड आई, यू आर द फेमस फैशन डिजाइनर। हाय, हम सुनीता, मैं भी बॉलीवुड से अटैच्ड हूं, यू नो। आइटम नंबर की बोलछन की सब एक ही परिवार के लोग, हम भी तो बॉलीवुड से हैं। राइटर बीसी बनर्जी, बीसी, यू डोंट नो? ओह रियली? एंड यू आल्सो फ्रॉम बॉलीवुड? एक और बनाती है। ये लगरम कब हमें विस्की है क्या? हाँ स्कॉच। वाव, लेट्स पार्टी। जरा ग्लास पास करना। क्या यार, हम देता है। थैंक यू। दो तो आपके लिए। अच्छा, विश खूब भलो। कुछ पानी सोडा कुछ देगा? ओके, दैट्स इट फॉर मी प्लीज, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। Thank you.
ए बाबा, एक परिवार है तो इसलिए बोलता है कि अभी तुम बस और मत पियो, ठीक है? अरे ये लेना, ये पैर है यार, फ्री का है, बॉटम संभाल ले। Is that Russell? Have you read? Not really. I've heard a lot. Oh, Baba, great mind. He Cali looked at. Brilliant, best. Oh, nice. Hello. Kehta hai, Russell bolta hai. The true happiness lies in treating the whole world as your own family with no expectation. Kutumbh Vasudeva. अरे ये रसल फसल क्या है? ये तो हजारों वर्षों पहले श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। पर उसके बाद भी कुछ है, आपको वो पता है? टिकट दिखाइए, चलिए चलिए टिकट दिखाइए। श्योरली टिकट, हियर यू गो। ऊप्सी सॉरी। अरे ठीक से दीजिए। बैनर्जी जी, बंगाली। अरे बंगाली से तो हमको बहुत ममता है। वाह, बेश, गुड फॉर यू सर। अरे आप ठीक है? हरबिंदर सिंह, आईडी दिखाइए। आईडी मेरा अकेले का क्यों? जिसके घर में रेड पड़ती है वो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। भारत सरकार के क्लास वन अधिकारी से ज्यादा प्रश्न ना पूछिए। दिखाइए दिखाइए। हाँ कहिए। सी में अच्छा, ठीक है, हम आते हैं हम आते हैं। हाँ 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 ठीक है। अरे वो नीचे, ओ, दादा नीचे रख देता है। अरे बात रख दिया, यात्रियों की कदापि चिंता नहीं, मंत्री जी की पत्नी का विशेष ध्यान रखें। गिरा मल बच्चे। कभी जाने की बात की ना तो समझे। डांस पास, रोड साइड रोमांसेस और अपनी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा तो क्रिमिनल्स को मारो तो सिविल राइट्स वायलेशन, न्यूसेंस को कम करो तो मॉरल पुलिसिंग का इल्जाम, चाहते क्या हैं आप लोग? अरे सरकार, हमारे जाने से क्या होता है? और उसके ऊपर यादव साहब, आपकी ट्रांसफर की डिमांड। दैट्स नॉट फेयर। इनके आने से अंडरवर्ल्ड में दहशत फैली हुई है एंड वी आर फीलिंग क्वाइट सेफ, यू नो। ट्रायल फिर किस लिए? मैं पूछता हूँ, ट्रायल का नाटक किसके लिए? अरे जजमेंट का पावर भी आप लोग एग्जीक्यूटिव को दे दीजिए ना। Am I right? बंदूक निकालो जी। Do you agree with? बंदूक निकालो ना। No comments. ये उठाइए। Pick it up. Can you feel the power? लेकिन ये जिसके पास होती है पावर उसी के पास होती है, और ये गलत हाथों में ना पहुंचे, दैट्स माय जॉब, और इसी में आप सबकी सेफ्टी। अब सोएगा। हेलो, या आई एम गुड। ओ या, अभी सोने का टाइम। नो फिलोसफी। Really? Hello. हाँ। एक खेल खेले? कि अंताक्षरी? It's just a game, you know. About? हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते।
वैसे तो अपने भी forget it. मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम एक दूसरे को अपने अपने बारे में you know, अपने अपने राज खोल दें. अभी तुम हमको रात भर सोने नहीं देगा क्या? What for? Fun. मजा आएगा. पर हाँ, राज खोलने पर no criticism, no judgment. कोई ताना वाना नहीं है. Guess ना, मेरा secret. रख दो. Yeah. So. Nice. Attitude and all, huh? चिपकू. सॉरी यार, दूर का रिश्तेदार है, डैड ने चिपका दिया. जासूसी के लिए या रखवाली के लिए? अच्छा, व्हाटएवर. हाँ, बंदा है काफी स्टाइलिश. क्या क्या स्टाइल है? शर्ट के दो चार बटन खुलने से कोई किसी की औकात नहीं बदल जाता. Exactly. अगर इतना पसंद है ना तो श्योरली शी विल नॉट माइंड इट. ए, तुझे पसंद है तो वेलकम. Not my types. मेरा सीक्रेट? साली. ए, क्या बोलता है? वाव, बिल्कुल सही यार. छुट्टी? ओ माँ. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा. यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेन से ना उतरे. गेम खेलती हो या कस्टमर ढूंढती हो? आई न्यू इट. आइटम गर्ल्स की रियलिटी. ओ प्लीज, कहा था ना, सच खोलने पर कोई ताना वाना नहीं. और वैसे भी हम सब कुछ ना कुछ तो बेचते ही है ना. नहीं दीदी, ये टाइटल आप अपने लिए रखिए. कितने में? कितने में क्या? अरे बाबा, आप कितने में? तुम लोगों को ना दूसरे की सच तो हजम होती नहीं है, अपने बारे में क्या बताओगे? और वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारी इनकी तो है औकात. हाँ है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. किस में? मुझ में या पैसे देने में? मैडम उसूल है, आई हैव नेवर एवर पेड फॉर. फ्री में जो मिलता है. मे बी. सो हाँ, शायद इसीलिए मार्क्स ने मैरिज को लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन कहा है. इट इज सेक्स बट फ्री. जो भी, सौदा मुफ्तखोरी से तो बेहतर है ना. अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली, इतना ग्लैमरस जॉब फिर भी ये सब क्यों? उससे मेरा रेट बढ़ता है. एनीवेज गाइस, इट्स जस्ट अ गेम. तुम लोग अपने अपने राज खोलने से इतना डरते क्यों? अरे भाई, कम ऑन, अपने आप को हल्का करो यार. सॉरी, बट ड्यूटी फर्स्ट. हमेशा. यादव साहब, जीत कर उठना नॉट राइट. नॉट राइट. मैं जीतता हूँ या आप लोग हारते हैं? मिनिस्टर का बाप ट्रेवल कर रहा हो तो एक आम आदमी भी सस्पेक्ट है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे ऑफिस में एक तस्वीर है, किसी नेता की नहीं, एक आम आदमी की, जो प्रोटेक्शन की गुजारिश कर रहा है. और प्रोटेक्ट करना मेरा काम है. आर्नल्ड जी, काउंटर कलेक्टर. ओके सर. श्रीमद भगवत गीता पे हमसे बहस करते हैं, हमसे. अरे ना ज्ञान ना सभ्यता, इंग्लिश बोलते हैं. हाँ सर. नकल करते हैं, विदेश की नकल करते हैं. ये है आज का युवा, न घर का न घाट का, धोबी का कौन. व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर?
सीट चेंज है। यहां बिराजे हैं आप। नो एक वो तो जी पधारे आइए। प्रणाम। पैसेंजर्स आर नेवर सेटिस्फाइड। अब क्या विशेष भोगी बना दे आपके लिए? देन एम्परर बिना कपड़े पहने मीटिंग में जाने लगा। पर एक दिन जब वो सड़क से जा रहा था तो एक पक्षी ने चील लगकर कहा, पार्चे तो नांगा है। एम्परर हैज नो क्लोथ्स। तुम ना सर व्हाट ही थिंक्स योर सीक्रेट इज दैट यू आर तुम्हें बताओ ना करके करके बताओ ये So you know what gay is? हाँ हो कौन सा वाला जी कौन सा वाला मतलब he or she मुझे तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है गंदी नाली का कीड़ा अरे दादा 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 क्या कर It's just a game. It's a game. Damn it. आइए सर मैं पकड़ लेता हूँ
बताओ ना तुम्हारा सीक्रेट। बहुत बताया तो, हम बॉलीवुड का राइटर है, डिसओन्ड बाय माय फैमिली। वो चाहता था हम IAS बनेगा, IFS बनेगा, हम इंडस्ट्री में आ गया, बस अब हमारा फैमिली में हमसे कोई बात नहीं करता। मिस्टर राइटर, ये आपकी हिस्ट्री नहीं पूछ रही थी, आपका सीक्रेट पूछ रही थी। वो सब एक ही तो है बाबा। अरे टेल ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बताते हैं, हम एक चोर है। क्या यार, तुम लोग कुछ सच ही नहीं बोलते। अरे सच ही बोलता है बाबा, हम चोर है। हम कहानी चुराता है, आइडिया चुराता है, सब चुरा चुरा के लिखता है, अपना कुछ नहीं ओरिजिनल। भाई वो तो सब जानते हैं, यू नो बॉलीवुड का नाम बॉलीवुड नहीं ब्लडीवुड होना चाहिए था। क्या बात, क्या बात दादा। देखो दादा बात बोला, एकदम सही बोला दादा। हम कहानी किसी और से चुराता है, वो चुरा के आगे बेचता है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर किसी और के नाम से आगे क्रेडिट दे देता है। द वर्ल्ड इज मूविंग लाइक दैट, यू नो। व्हाट एन आयरनी। वो क्या बोलते हैं, चोर को मोर। नहीं दादा नहीं, नेमेसिस, जैसे को तैसा। न जाने उसके बैग में क्या है। बॉम्ब है। अरे बॉम्ब, देखा आपने, क्या अटपटी बात करते हो। सर सर, वो बैग देखा आपने, उस बैग को उस तरह जिस तरह अपने सीने से लगाए रखता है सर। अरे बम को कोई छाती से चिपटा के थोड़ी रखता है, क्या बात करते हो। हाँ बोलिए जी, हम सत्यन शर्मा बोल रहे हैं, टीटी ATS से फोन। जी जी जी, केशव 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 नाम का कोई यात्री नहीं है जी। धन्यवाद। केशव नाम का कोई यात्री तो सर वो ATS को तलाश है। दादा कुछ सेक्सी मैगजीन है। ये अच्छा है, कितने का है। 100 rupees। 100 rupees बहुत महंगा हो गया सर। नहीं ये तो बिल्कुल एक्सक्यूज मी। ठीक से साफ करो उसे, ठीक से साफ करो।
हे केशव! अरे क्या कर रहे हो तुम? वहां पे नीचे गिरा हुआ है। ए अक्कल के दुश्मन, लेके जा इनको। आप फादर हैं? ए साले, साले अंग्रेज की औलाद, फिरंगियों ने लगता है तेरी अक्कल को भी मार डाला है। बचपन से लेके जवानी तक तुझे इस्तेमाल करते रहे। मैंने तुझे उनसे बचाया और क्या सिला दिया तूने मुझे? साले मेरी है? उठ, अरे फुट प्यास, फुट, अरे फुट तेरी। नहीं सब अपने आप को क्या समझते हैं। ये एक तो ये चोरी करता है और ऊपर से अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। कौन? क्या? आप भाई साहब, वैसे आप अपने बारे में तो कुछ बताते नहीं है, दूसरों के बारे में क्यों पूछते रहते हो? तुम्हारे जैसे लोग है ना, अरे ये लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारी? अरे बाबा, सर सिगरेट। अरे बाबा फेंक देगा? सर एक सिगरेट मिलेगा? हाँ 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 प्लीज। ये लीजिए ना, ये आपके लिए, ये आपके बाबा के लिए, ये आपके मामा के लिए। अरे बस बस बस, मामा नहीं पीता है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ये हुम हुम करे घबराए। व्हाट्स द प्रॉब्लम डूड? कमाल है यार। और बंगाली बाबू लेगा? नहीं नहीं थैंक्स, यू हैव इट। हेलो, तो ठीक है? हाँ ऑल गुड, ऑल गुड। कहाँ पहुँचे? दिल से आपको हम प्यार किस तरह, एक आपका तसव्वुर बस आपका ख्याल, फिर भी है दूरियां यही मुझको एक मलाल, जान मिलेगा मुझको अब करार किस तरह, है कश्म कर डिस्टर्ब किया आपको, आप सो जाओ, घुमा। ये दोनों किधर गया? कुछ गड़बड़ है। पी सकता हूं मैं? ये नहीं, आप वाली। अरे बाबा रे, मागो। कितने किस्मत वाले हैं आप लोग, जो काम करते हैं एंजॉय करते हैं। क्यों भाई, तुम अपना काम एंजॉय नहीं करता क्या? मैंने उस डिजाइनर का टीवी शो देखा है, आई हेट हिम। तुम चलता है उससे? ने बनाए हुए माल की तारीफ और दूसरों का मजाक।
जैसे हम लोग नंगे हैं और कपड़े पहनना इन्हीं को आता। ऐसा ही है मेरे दोस्त इस दुनिया में, पागल जमाने में, इस पागल खाने में सिर्फ पागल ही सेफ है। तुम पियो भाई जो तुम्हें पीना है, एंजॉय, एक ही परिवार है तो। You are the one who offered. But you are the one who took it. मेरा पर्स मेरी जैकेट में। Bloody slut. Secret है यार। Whatever. दादा आप रोज तो नहीं पीता होगा ना? जरूरत पड़ने पर। अच्छा हाउ मच? अरे बाबा कीप द चेंज। ओके तुम इधर ही शुरू कर दिया सब। अब ये मुफ्त खोर नहीं रहा। और दादा कितना लगा टाका? मुझसे कितना लोगे भाई साहब? आप मेरी क्लास में रंडी और क्लास। नहीं नहीं दादा, आजकल शर्म लिहाज का कोई मोल नहीं है। इट इज बेटर टू बी शेमलेस। दूसरों की कहानी चुरा के शर्म नहीं आई कभी? क्यों? ओ, प्रोड्यूसर मांगेगा तो हमको तो देना पड़ेगा ना। ये तो और भी बुरा है। चोरी से बदतर तो गुलामी। जिसम बेचने से बहुत अच्छा है। हाँ, ये नाला कहीं सुना हुआ लगता है। नहीं, मैं जिसम बेचती हूँ तो तुम ईमान। फिल्मों में सुना है और कहा। एनीवे, तुम और तुम दोनों बिकाऊ हैं। खुद को प्रमोट करना कुछ और होता है क्या? क्या बात, तू क्या बेचता है बॉस? मौत। क्या दादा? क्या बोल, क्या एटीट्यूड है? पता नहीं कहां कहां से मूठ है, मुंबई चले आते सब। लड़ी पैरासाइट। आप दोनों लगता है मुंबई की ही पैदाइश है। व्हाटएवर है तो मक्खी। इफ इट वाजंट फॉर दिस काइंड ऑफ गाइस मुंबई वुड बी शंघाई, ट्रस्ट मी। सर लेकिन कब्रिस्तान पर तो महल नहीं बन सकता। शंघाई जो है वो बीमार को हटा के नहीं, बीमारी को हटा के बनता है। पापा मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? ओ मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती?
पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या डोगरा सर? वो दिल्ली एटीएस का कहना है कि ये लोग फिल्म वालों को डमी आर्म्स के साथ साथ असली आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। इनको दिल्ली में क्यों नहीं पकड़ा? वो खबर मिलने से पहले ट्रेन चल चुकी थी। क्या है क्या इनके पास? उसमें जो है वो हमारे अंडर नहीं है। तुम वेजिटेरियन कब से बन गए डोगरा? बकरा आ रहा है, आने दो इसे, समझ रहे हो? थोड़ी देर में मिनिस्टर के पास। सब देखने को अच्छा लगता है क्या? बंद कर कर्टन। Thank you.
चुप क्या धरा हिल मत चुप चल नीचे चलो नीचे बैठ उधर आजा चल 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 नीचे दादा ये क्या करता है दादा बैठ उधर मक्खी बोला था ना हमने कुछ नहीं किया दादा दिखाऊं तुझे अपना क्लास ओए इल्ला मत नहीं बैठ तुम भी बैठ साली चुप सर क्या है बात करने सर गन है उसके पास सर केशव गन पकड़ गन हेलो हम राजधानी एक्सप्रेस से पीटी सत्यन शर्मा बोल रहे हैं एक यात्री के पास में पिस्तौल है मैडम साहब कुटे मिनिस्टर जा घर ही अरे अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया नो थैंक यू सर मुझे कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचना है कौन है ये उसको मालूम नहीं कि मेरे पेरेंट्स ट्रेन में ये आरपीएफ क्या सर आरपीएफ तो चेक कर रही है लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये मुद्दा हम लोग को हैंडल करने दिया जाए ओके थैंक यू सर तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो गया मैं कुछ कर सकता हूँ थैंक यू बट नो थैंक यू सर तुम क्या समझते हो तुम्हारे ट्रांसफर में मेरा कोई नहीं सर आप क्यों करेंगे ऐसा ये बाबा रे बाबा ये यादव लई खड़ूस है इसकी बीवी इसको छोड़ के चले गई माई तेतुला सर जैसे आपके ऑर्डर्स हो तुम एक काम करो हमारी सारी टीम को रेलवे कंट्रोल रूम में इकट्ठा करो जी और तुम ट्रेन बोर्ड करो समझे और मेरा ऑर्डर मिलने से पहले कोई एक्शन मत लेना सर एक्शन तो असा माणसा बरोबर माझी आई वडिलांची सुद्धा काहीच किंमत नाही कशाला अरे ते माझ्यावर दात धरून बसलाय बट फॉर अवर पार्टी ही वुड बी कमिशनर डोंट वरी टेन्शन नका घेऊ अरे डोंट वरी टेन्शन नको घेऊ काय तरी सांगतात सारे बँक अकाउंट आई वडिलांचे नावावर आहे ते गेले तर आम्ही खलास परत धारावी झोपडपट्टीला जायला लागतील माहिती आहे तुला काय तरी सांगते अब भूल जाते कभी दवाई टाइम पे नहीं लेते आप हमेशा ऐसा करते क्यों यहाँ बैठ जाओ तुम लोग आप इनमें से किसी एक के बिना बाहर नहीं जाएंगे प्लीज ठीक है हाथ मत लगाना चला दूंगा मैं ओह नो ओह माय गॉड चुप आइटम कहेंगे आइटम की साली या ब्रो ये मेरा सीक्रेट नहीं ये मेरा सच्चाई है जो तुम लोगों ने पैदा की जल्दी क्या है मैडम गेम अब शुरू हुआ है खेले क्या हेलो आप ऐसे लगता तो नहीं है आप देखो देखो I'm really very sorry अगर तुम चाहो तो झूठा खिलाएगी नहीं लेता था उठ अब पूछ मेरी औकात पूछ चल मैडम चल पिला मुझे
अब पिला पिला मुझे चल। क्यों नहीं पूछ रहे मेरी औकात? क्यों नहीं पूछ रहे? गोली चल जाएगा दादा, गोली चल जाएगा दादा। चल तो जाएगी, सॉरी, चलने के लिए ही होती है। क्यों नहीं पूछ रहा मेरी औकात? तेरी लाश पहुंचेगी मुंबई, पूछ मेरी औकात। आप लोग सॉरी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं पूछ रहा मेरी औकात? आप लोग सॉरी क्यों नहीं मांगते? सॉरी बोलो, सॉरी देता हूं, गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो देखो अचानक में मेरा मतलब कि अगर तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो चोट चोट जानते हो चोट क्या है? अच्छा मजाक है। सोचा था मैं इस सामान को बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करूं, पर कहां यार, कहां जीने दोगे तुम जैसे लोग, हम जैसे लोगों को? तेरी नजर में मेरी औकात भी नहीं है। ये वहां भी थे, यहां भी हैं, और वहां भी होंगे। बचपन से लेकर आज तक मेरी औकात पूछते रहे हैं, पूछ मेरी औकात, पूछ, पूछ मेरी औकात। हेलो, अच्छा क्यों? ठीक है, सूरत मैसेज दो, राजधानी नहीं रुकेगी। कहता है ट्रेन रुकी तो उड़ा देंगे। ये एटीएस वाले भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। This full coverage. Minister hai isliye. Oh damn these ministers. My cousin Munish is on the train. Itna garam kar do ki in charge log chhapki bina le sake. Sir, TV pe aa gaya hai. Live India channel par. फुट हवा आने दे इसक। भाई साहब फोन प्लीज। साला समझा करिए, मेरे को जरूरी फोन आने प्लीज। अरे आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं इनको? दादा हम आपके साथ हैं, प्लीज रिलैक्स, हम आपको एक बात पूछेगा। अभी तो ट्रेन रुकने वाला है, फिर क्या होगा? फिर क्या क्या? सब कुछ खोकर, कुछ ना पाकर आपको क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? हम जैसों का यहाँ खोना या पाना क्या? सब कुछ तुम्हारा ही तो है, हाँ? फिर भी तुम सबका, खास इसका, मेरे सामने हुई हुई करना मेरे लिए बहुत कुछ होता है। पहले पता होता इसे बहुत पहले अपना लेता। पर सर अब सारी कंट्री का गुस्सा हम पे क्यों? सारी कंट्री तुम जैसों से भरी हुई है।
दीजिए साहब। सर वो मंत्री जी को प्रॉब्लम है सर। गाड़ी का ट्रैक चेंज करो। अरे मैंने कहा ना आपसे। अरे भाई ये मेरे ऑर्डर। ऐसा नहीं है सर, थ्रेट मिलते ही रेड अलर्ट साउंड कर दिया था हमने और लगातार रेलवे कंट्रोल रूम से ट्रेन को मॉनिटर कर रहे हैं। सर ओके सर, ट्रैक को चेंज करिए इमीडिएटली। मंत्री जी को प्रॉब्लम है तो बाड़ में जाए। गेट मी डेली ऑन द लाइन फास्ट। यस सर। कम ऑन गेट क्रैकिंग। ओके सर। गिरफ्तारियां हुई हैं। सूत्रों के अनुसार इन बंगलों को, इन सरकारी बंगलों को किराए पे दिया जाता था ताकि यहां से इलीगल एक्टिविटीज जो है उन्हें कैरी आउट किया जा सके। रेल रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, हमारी मांगे पूरी कराओ। सर ट्रैक इज ब्लॉक। डुंगरी में लोगों ने रेल यातायात तो रोक रखा है। राजधानी को रोकना ही पड़ेगा सर। आगे कोई खबर? लेट्स हेलो हेलो सर। हां डुंगरी पे रेल रोको आंदोलन चल रहा है। दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आगे बढ़ नहीं सकती सर, वहां पे ट्रैक्स पे बहुत भीड़ है। जस्ट इन्वॉल्व इंद्राले। ठीक है सर। ओके सर, मैं आगे आगे सर। पर लोगों का ट्रेन कैसे रुकेगी? ते एटीएस काय करता? अब डिसीजन आपका है सर, आपके पेरेंट्स या पटरी पर आंदोलन करने वाले लोग। क्या कर रहे हैं लोग? पटरी पर बैठे हैं, ट्रेन रोकते क्यों नहीं? लोग मर जाएंगे। सर आगे प्लेटफॉर्म आ रहा है, पटरी चेंज कर देते हैं। गुड आइडिया, क्विक। यही कर दो ना, है ना दादा? यही कर दो, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही कर दो। सॉरी, आई हैव नो चॉइस। अभी तो समझ में आया दादा क्या बोलता था, वो लोग जो करता है वो मजबूरी में करता है, वो जो बाहर जो करता है ऐसा नुमाइश कोई शौक से करता है? और मैं तुम जैसा बनना चाहता था, खोखले साले। थैंक यू, थैंक यू। एनी अपडेट? इंफॉर्मेशन सर। जी सर, चीफ मिनिस्टर को दिल्ली से क्लियरेंस है नेगोशिएट करने को। एक काम करो, राजधानी के वो टीटी को फोन करो। राइट, एंड यस दैट टीवी चैनल आल्सो। इन डिटेल्स को फॉर्मेट करो, कंट्रोल रूम में भेजो। व्हाट? वो लोग नेगोशिएट करने वाले हैं। ब्रेक दैट मैन, आई जस्ट होप मुनीश इज ओके राइट नाउ। बहुत देर हो गई। लगता है मुंबई पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अच्छा
भाई। थैंक यू। ये हेलो ब्रेड, भारतीय रेलवे। आप भी खोल दीजिए। थैंक यू। सपने दिखाती है तुम्हारी नजर, अरमां जगाती है तुम्हारी नजर। सपने दिखाती है तुम्हारी नजर। इसकी हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि आगे कार्य चल रहा है और ट्रेन को कुछ समय के लिए धीमा करना पड़ेगा। Any demands? जीना सिखाती है तुम्हारी नजर। नहीं, आप ये सब जो कर रहे हैं उसका कुछ तो कारण होगा ना। जगाती है तुम्हारी नजर। हम बात करते हैं। अरे, उनकी बात है, आप क्यों बात करता है? पर लाइफ तो मेरी है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देखे से इसको मुकद्दर चके। ए भाग्या, क्या तुम्हारी नजर को नजर ना लगे। देखे से इसको मुकद्दर चके, नजर को नजर ना लगे। दिल को लुभाती है तुम्हारी नजर, दिल को लुभाती है तुम्हारी नजर। हे हे ला 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 ला। ये रुक क्यों गई? इसी की वजह से तो लेट हो रहा है, कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। हम मुख्य टीटी सत्यम शर्मा हैं। मैं ऐसे रमेश डोगरा। कहाँ है? डी कैबिन में। और कौन कौन है? दो व्यक्ति और हैं। बम कहाँ है? बैग में। बैग में? और बैग कहाँ है? बैग मुझे नहीं पता। ये ब्रिस्टर साहब के पेरेंट्स कहाँ हैं? वो उससे दो कैबिन आगे बी कैबिन में रेलवे के गार्ड्स उनके संग हैं। ओके, सर्च फॉर बैग। बाथरूम से शुरू करो। जी सर। कॉम द होल ट्रेन। ओके ओके सर। हेलो सर, आपके लिए फोन। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, यहीं पे कमिश्नर साहब का फोन आपके लिए। नहीं, हम बात कीजिए। ओके। हेलो जी, हम सत्यम शर्मा मुख्य टीटी जी। हाँ, उससे क्या हुआ? हम बात कराएं। चेक, हम चेक चेक। डिप्टी कमिश्नर साहब का फोन है, बात करना है आपसे। बात कीजिए। बोलिए। देखो, हमें पता है कि तुम्हारा नाम केशव है और तुम किसके लिए काम करते हो। मेरा नाम कुछ भी हो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। क्या तुम्हें पता है कि होम मिनिस्टर की फैमिली भी उसी ट्रेन पे है? अब है? क्यों? क्योंकि इसी वजह से सारी स्टेट मशीनरी अलर्ट है। इस चक्रव्यूह से बचोगे कैसे? आपकी मेहरबानी से
बताया ना आपने होम मिनिस्टर पेरेंट्स के बारे में? होम मिनिस्टर के पेरेंट्स कहाँ हैं? देखिए वो ट्रेन में कितने सारे यात्री होते हैं, हमें तो यात्रियों का पता नहीं। केबिन बी में हम कुछ पढ़ा था बाहर, इंद्रालय केबिन बी आई थिंक। अरे आपने कहाँ से पढ़ा था? चुप रहिए। चल हम दिखा कहाँ हैं, तुम भी आओगे? आप जाइए ना, हम इधर ही रुकते हैं। आप व्यू में तो था, बम कहां है मालूम है? सॉरी सर, वेट फॉर द ऑर्डर्स। ओके सर, ये लो खा लो। ठीक है। इन्हें निकालो यहां से। हाँ निकलो। अरे चलो बाहर चलिए। अरे बुज़दिल साले, मे आई कम इन सर? जब आप उनके सामने थे तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? शू करो सर, बंदूक में गोलियां होती। गोलियां नहीं है वो, जिस प्रकार से हमारे बाथरूमों में पानी नहीं है, सरकारी मामला है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पुलिस ऑफिसर हूं बेटा, ये मैं बैग ले सकता हूँ? नहीं, मेरे को खाली देखना इसमें क्या है। मेरे फ्रेंड का है। ओह, आपके फ्रेंड का है, मैं इसे देखकर वापस कर दूं? प्रॉमिस। प्रॉमिस, थैंक यू, यू प्लीज टेक हिम आउट, यू टू। अशोक चेक केयरफुली, कौन है वो? सर्वर महोदय। ये सर, तुम्हें किसने कहा था कि इस बस्ते में बम है? सर जब मैं वहां गया तो टेररिस्ट हूं मैं, बम है मेरे पास, ट्रेन उड़ाना चाहता हूं। ये चल हट, हवा आने दे। मम्मी, परंतु इसमें तो कुछ कुछ भी नहीं, इसमें गंदे कहीं के, इडियट। ओके सॉलिड, अब चलिए केविन, जाइए, तू यहां रह। आइए पधारिए, हमें खेद है, कृपया मंत्री जी से कुछ ना कहिए। सर कोई बॉम्ब नहीं। क्या? देयर इज नो बॉम्ब इन द ट्रेन। आर यू श्योर? यस। और वो रिवॉल्वर?
अकॉर्डिंग टू दिल्ली एटीएस उसे डमीज का बैग दिया था, नकली। Maybe he doesn't know. शायद मालूम नहीं उसे नकली है। Damn this minister's luck. और किस किस को पता है इस बारे में? हमारे सिवा डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स, टीटी और रेलवे गार्ड। एक काम करो, उस टीटी को कहो अपने सीनियर्स को कुछ नहीं बताएगा, ओके? जी, जी। और हाँ, मीडिया को फिलहाल इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चला। श्योर सर। ओके, आई विल गो मीट द मिनिस्टर राइट नाउ। ओके सर। मैम, ऐसा क्यों? कैसे? हाँ, अभी हमें क्या पता उस साला कौन है? हमारे साथ तो बैठ के ड्रिंक किया, हमारे साथ बात किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, खबर पड़ेगी। कैसे पता चलेगा? तुम? एक क्षण रुके। आप कृपया पेंट्री डिब्बे में जाकर चाय भोजन कीजिए। क्यों लो? क्या हुआ? क्या? You know what? हाँ। ये इसके बैग में कोई बम नहीं है। ऐसी बकवास कर रहा था ये। क्या बोलता है तुम? मेरी तो जान निकल गई थी यार। But why नयर? Power, power, power। दादा जब वो ट्रेन में घुसा था, तब वो बहुत कंफ्यूज था। Then for whatever reason जब उसके हाथ में वो गन आया, तब उसको फीलिंग आया कि उसका भी कदर है। Maybe now he has got what he wanted। You know, मान सम्मान, dignity, self respect। टीटी कहता है होक्स है, पुलिस कहती है होक्स नहीं है, ये हो क्या रहा है? नया ऑर्डर का फाइल है ये। जी सर, ये 24/3 का है। 24/3 का है ना, पुराना ऑर्डर का फाइल गायब कर दे। चलो अच्छी खबर है सर, मैं बता देता हूँ सर, वो सब होक्स था, वो गन नकली थे। नकली तुम्हें ये संगीत लेना। डिप्टी कमिश्नर यादव भी आ गए हैं। चल चल, ओके। देवा रे देवा, कृपा झाली रे बाबा। अब अपने अकाउंट सारे ट्रांसफर कर लेना अपने नाम पर। यादव साहेब, तुमको भी चैन मिला होगा ये सुन करके कि ये सब होक्स है करके। उसको फौरन पागलखाने में भर्ती कर दो। पागलखाने को और लोगों की जरूरत है। किल हिम। क्या? एनकाउंटर। क्यों? तुम्हारा कुछ पर्सनल है क्या? शायद आप भूल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आपने एक फैसला किया था, ट्रेन रोको आंदोलन को इग्नोर करने का। अरे तेरी तो, अरे बाबा रे बाबा। तो क्या ये सही है कि बिना किसी बात के आप पब्लिक के ऊपर ट्रेन चढ़ा देंगे? अरे तो वो टाइम मेरे को क्या मालूम था। आप ये बात मीडिया को जाके समझाएंगे? फक्त दोनों घोषती सांगाई चे। एक तो मीडिया इस बात को जरूर उठाएगा, दूसरी तुम मेरे शुभचिंतक कब से? चलिए कम से कम आप मेरी बात से सहमत तो हैं। पहली बात यह है कि मीडिया ने उसे टेररिस्ट करार किया था, हमने नहीं, और मीडिया अपना थूक चाटने से रहा। और दूसरी बात, मुझे यकीन है कि मेरी ट्रांसफर में आपका कोई हाथ नहीं होगा, और अगली बार आप डिप्टी कमिश्नर यादव से नहीं, कमिश्नर यादव से मिलेंगे। थैंक यू सर। सर, इंक्वायरी हुई तो? सॉरी सर। परमिशन किसने दी थी?
मिनिस्टर ने सर नेगोशिएट करता तो इसकी इमेज खराब होती। अब कोई मरे या मराए फंसेगा यही। अब बेचारा पब्लिक को क्या जवाब देगा? पब्लिक हमें परमिशन ये देते हैं, इन्हें परमिशन पब्लिक देती है। वोट देके पब्लिक की हालत की जिम्मेदार पब्लिक खुद है। फुल सर्कल। हेलो, ट्रैक खाली नहीं है, क्या करूं? थाना की लाइन व्यस्त है सर। उनको कहो ट्रेन डाइवर्ट करें, और ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। ट्रेन डाइवर्ट करें तुरंत। क्या मिलेगा उसे सब करके? लेकिन किसी का चेहरा पे तो लिखा नहीं है। शांत जी, हम सत्यन शर्मा बोल रहे हैं, मुख्य अतिथि जी। जी जी जी, ये अरे पर वो ये क्या हुआ दादा? एटीएस नहीं चाहते कि हम अपने सीनियर्स को इस विषय के बारे में कुछ भी बताएं। आप इसका मतलब समझे दादा? क्या इसका आने का दी एंड मतलब? एनकाउंटर करा देगा वो लोग? नहीं। हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले हम उससे पूछेंगे एक बार वो क्या क्या हमारे साथ रात भर। अब विराजे हम भी आते हैं। अरे भाई साहब, गो अहेड, शूट शूट। अरे क्या कह रहे हो यार? अरे सबको जानकारी मिल गई है। क्या ये ब्लफ करता है? कदापि कोई बम इत्यादि नहीं है। हाँ, कोई बम इत्यादि नहीं है उस बस्ते में। अरे रुकिए, देखा देखा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा ही है मेरे दोस्त इस दुनिया में, पागल जमाने में, इस पागल खाने में सिर्फ पागल ही सेफ है। बॉय, दिस गाय इज इन सम सीरियस ट्रबल नाउ। पहले हम पूछेगा ये सारा रात हमारे साथ क्या किया? ए मिस्टर राइटर, कांट यू सी, अगर इसकी बंदूक में गोलियां होती तो कदापि नहीं। अगर इस पिस्तौल में गोली होती तो इस जमीन पर नहीं, आपकी तरफ चलाते। व्हाटएवर, सिर्फ पागल ही सेफ है। अरे रुके, हट। पागल हो गया है, पागल पागल हो गया है, पागल हो गया है। शर्मा जी, शर्मा जी, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। बोलिए बोलिए। आप हमारा बात करिए एटीएस से प्लीज। हम उनको बताएगा इधर क्या सब चलता है। एटीएस से प्लीज, एक बार प्लीज। हेलो, हम सत्यन शर्मा बोल रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस से। एक क्षण जल्दी। हेलो जी, पैसेंजर नंबर 14 बोलता है, बंकिम चंद्र बनर्जी। जी सर, जानता हूँ कि वीआईपी कोटे के हैं, आई टेक केयर ऑफ दैट सर। सर साइड से सर, मैं बस क्लियरेंस की वेट कर रहा हूँ। हेलो, हम इधर सब देखा है जी। हम ऑपरेशंस के दौरान पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करते। टीटी को फोन दीजिए। बोलता है टीटी को दीजिए, कोई बात सुनता नहीं है हमारा। हम इधर बिटनेस है, हम सब देखा है, आप क्या बात करता है? मैं पता लगाता हूँ। श्योर। सो इज रियली इंसिस्टिंग। तुम तीनों में से वो कौन है, हमें कैसे पता लगेगा? और वैसे भी एक से ज्यादा लाशें हो तो कौन किसको आइडेंटिफाई करेगा? अरे जी, सत्यन शर्मा बोल रहे हैं, हम सब का एनकाउंटर कर देगा। व्हाट? वो बोलता है हम सब साथ में, ये भी है, आप भी है, हम भी है। वो बोलता है हम सब का एनकाउंटर कर देगा। शिट शिट, पता लगाओ इसके साथ और कौन है। कम ऑन पास। बोलते हैं कि हम तीनों में से कोई भी टेररिस्ट हो सकता है, एक से ज्यादा लाश एनकाउंटर करा देगा हमारा। आप कभी
इसका भी मेरा भी हम सबका एनकाउंटर करा देगा, हम मर जाएगा सब। और टिटी किधर गया? तुम्हें किसने बोला था? किसने बोला था उन्हें धमकी देने के लिए? विटनेस, विटनेस। बड़ी हेल। अरे ऐसे चुप रहो यार। दादा प्लीज काम डाउन। हम सब इन्वॉल्व है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। हम आपसे एक बात बोले, आप हमारे साथ आओ, हम आपसे एक बात बोलता है, हम आपसे एक बात बोलता है। आपका तो मीडिया में लिंक है ना? आप एक फोन करें। नो, आप एक फोन कीजिए ना। नो नो मतलब क्या? नॉट आफ्टर व्हाट ही इज डन स्पेशली टू मी। बट हम भी तो वही बोलते हैं, आप अपने लिए फोन कीजिए ना, आपका भी तो जान खतरे में है, प्लीज कीजिए ना, एक एक फोन कीजिए। वो देखो फिर पागल हो गया, प्लीज फोन। बड़ा चुप कर प्लीज। ओ शिट, मैडम सेल्बिना स्टेशन चली गई है। उठाएं क्या? ना बाबा। प्लीज चुप। No response. No response? No response? Please, please, बच्चा कीजिए। Please, please. तो हम सब मरा जाएगा। Please, करुणा तो। Hey! Stop! आप शांत रहो ना। आपको जो परेशानी हुई है, उसके लिए हमें खेद है। अब हम इन्हें यहाँ से बाहर ले जाएं। ये लीजिए। जल्द। देखिए फंस तो गया है ये, वो लोग छोड़ेंगे नहीं इसे, परंतु इसने जो अपराध किया है उसका दंड मौत नहीं है, कदापि नहीं है। चल चल, get up, just get him arrested. रुकिए, चल। No, justice, न्याय समझते हैं आप? न्याय या फिर न्याय का भी सम्मान नहीं है। अरे but this is the hoax sir, we all know it, इसको रेलवे गार्ड को दे दीजिए ना आप। आप सही कह रहे हैं, ये जो अपराध ट्रेन में हुआ है तो रेलवे पुलिस को इसे गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, come on, open this door. हम करते हैं। Open it. Come on. बैठ जा साले। क्या बोला था तू? क्या बोला था? अरे, इसमें होकर हाथ आप ना करें। बिल्कुल शोभा नहीं देता। रुकिए, हम सब का जान खतरे में है। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि हम सब बिजनेस है जरा भी? हेलो, कुछ पता है तुम्हें? हेलो जी, हम सब के पीछे पड़ा है। वो तो मैं छोड़ दूँगी। शर्मा बोल रहे हैं, मुख्य अतिथि जी। तुमको अच्छा लड़की है फिर? जी हाँ। छोड़ो मुझे। ये तो पागल हो गया, इसे अभी कोई होश नहीं। तुम तो अपने ऊपर काबू रखो। वो उसका अपने ऊपर काबू नहीं है उसको, और वो कोई टेररिस्ट नहीं है। फंसा दिया गया उसे, इनकाउंटर कर देगा। नमत कुत्ते, मार डालूंगा तुझे। क्या करना है तुम सब? हमें हार्ट अटैक देगा क्या? प्लीज काम डाउन सर। एक राइटर, एक फैशन डिजाइनर, और वो पागलों जैसी एक्टिंग कर रहा है। ये जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है सर? वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, कभी हमें बलि का बकरा नहीं बनने दिया। तुम ऐसे ऑफिसर पर डाउट कैसे कर सकते हो? लॉयल्टी भी कोई चीज है। सॉरी सर। It's better to believe in sincerity than loyalty. उसमें क्या फर्क है? Loyalty कुत्तों के लिए होती है, इंसानों के लिए sincerity. जी मैडम। इसको फाइल कर दो। रेलवे अधिकारियों के आदेश से केशव इज अंडर अरेस्ट। ये वारदात रेलवे में हुई है, ये रेलवे के गार्ड है, उसे रेलवे पुलिस को सौंप देंगे। दिस इज अंडर रेलवे ज्यूरिडिक्शन, यू गो। मैटर रेलवे पुलिस सिस्टम। कोई हादसा होगा ना तब क्लियरेंस आएगा। हेलो, वो टीटी क्या रेलवे ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है?
गेट मी द क्लियरेंस, थोड़ा जल्दी कीजिए। गार्ड्स बाहर है, हमने उन्हें सूचना दे दी है कि केशव हमारी कस्टडी में है। रेलवे पुलिस को भी सूचना पहुंचा दी गई है। सर ये गार्ड एटीएस से सुपीरियर है ना? वो भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं। बट व्हाट इफ दे रिटर्न? एटीएस ने ट्रेन को डायवर्ट करा दिया। अरे इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? इसे ऐसे बाहर निकाल, मुझे इसके लिए मरना नहीं है। हाँ, अपना मौत का ख्याल भी कितना भयानक है और दूसरे का मौत तमाशा। इसको फर्स्ट छेड़ा किसने था? वो तुमने शुरू किया ना वो ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन? अरे प्लीज अपना वर्जन मत करो तुम। शी इज एब्सोल्युटली राइट, हमें यहाँ फंसना नहीं है। बस हट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए साहब सुनिए, आप सबकी सेफ्टी इस कैबिन में है। आप बाहर निकले तो कुछ भी हो सकता है। हम आपको बता रहे आप यहाँ से बाहर ना निकले। कृपया कृपया। हेलो जी हाँ, केशव हमारी कस्टडी में है रेलवे विभाग की। अरे रेलवे विभाग का मामला है। कम इन। सर, राजधानी के टीटी ने उसे रेलवे गार्ड से अरेस्ट करवा लिया है। रेलवे ज्यूरिस्डिक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं। अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि मिनिस्टर की फैमिली के बारे में मैंने उसे बताया था। एक काम करो, एसआई डोगरा को फोन लगाओ। सर आप नहीं जा सकते। मुझे मेरा काम करना था। मैंने कहा ना सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अब मेरे पास परमिशन भी है और पावर भी। अब जाओ टीटी से कहो वो जो लड़का केशव है उसे प्यार से किसी तरह बाहर लेकर आए। जाओ। मैं कह रही हूँ आप सब से अभी भी, ये कोई पागल वगल नहीं है, सब नाटक है इसका। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। अरे वो पागल है या नहीं है, हमारा तो मारा जाएगा ना। एक जन्म से लगता है इस ट्रेन में है, अभी हम चेन खींचता है। अपराध है। देखिए ये चेन खींचने से कोई लाभ नहीं है। वो एटीएस के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम इन्हें अकेले लेकर ट्रेन से उतरें। अगर ट्रेन रुक गई तो आप सब लोग संकट में घिर जाएंगे। बैठ जाइए, बता रही है। कोई लाभ नहीं है। बहन तो बहुत अजीब है। Come on. ये फोन तुलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं उठाता अपना फोन? इसमें बुलेट होते ना, आई वुड हैव शॉट दिस गाय। दादा प्लीज, अभी हम और वायलेंस नहीं ले पाएगा, प्लीज फोन ट्राई कीजिए। तुम फोन लगाओ ना यार प्लीज। हमारे हाथ में क्या जादू है? हम तुम्हारा बंदोबस्त करते हैं इंडियन आइडल भेजने का। सर, फोन नहीं उठाता है। तुम ताली क्यों बजाता है? पागल। क्या यही है कर्मों का फल? माय गॉड, इस वक्त आपको सत्संग का ज्ञान सूझ रहा है? अरे कर्म वर्म कुछ नहीं, चॉइस, चुनाव। यार, what we choose to become. I'm sure, इसने ये तो चूज नहीं किया होगा ना? अरे यार, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। प्लीज यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं दो पागलों के बीच में? देखिए, आप किस्मत को नहीं मान रहे? अरे ये सब तो ग्रंथों में लिखा है। किस्मत निकामों का ढाल है क्या? फोन दीजिए। एंड यू आर
योर ओन फ्रेंड योर ओन एनिमी दी भगवद गीता। हेलो। हाँ जी इधर इधर बात कीजिए। हेलो मंत्रोच्चारण के बाद बात होगा। भगवद गीता इंग्लिश में। एक्सक्यूज मी कैन आई प्लीज टॉक। हेलो हाउ कैन लिसन प्लीज टेल पर्ल इट्स अ ब्रदर मुनीश। या ओके या ये लो। सो नाउ अब क्या किया जाए? देखिए आप सब यहीं रुकिए। ट्रेन से उतरने की कोशिश कोई नहीं करेगा। अरे हम तो बोलता है जंप जंप करेगा। इसको तोड़ो और कूदो। अरे महामूर्ख है ये। क्या हाथ पैर सही रहेंगे तो जीवन भर चल सकेंगे। अरे बाहर नहीं निकलेगा तो सारा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा क्या? हाथ पैर नहीं रहेंगे तो कोर्ट कचहरी क्या शौचालय भी नहीं जा सकेंगे यार। चुप कर बात करते हैं। हम क्या बोलती है आप इसको अपना रेलवे यूनिफॉर्म पहना दीजिए। बाहर निकल के रेलवे गार्ड के सामने सरेंडर कर देगा। हमारा वर्दी हाँ यानी साथ साथ हमारा नौकरी भी। अब वो जस्टिस का भाषण उसको बचाने का आइडिया आप ही दिया था ना। और अपने आप को फंसाने का आइडिया हमने नहीं दिया था। 27 साल का नौकरी है हमारा। अभी आप किधर जाता है? क्या करता है तुम? आई लुच्चा। ये एक काम कर ये लो इसे पहना दो। What is this यार? बुर्का? Waste of time। क्या भूलभाल आइडिया देता है तुम? Stupid। आई क्या करता है तुम? देखो तुम अभी ओवर एक्टिंग मत करो। अच्छा तुमको जो करना है तुम करो। एक मिनट यार तुम लोग चुप हो जाओ। वो फॉरेन लेडी she was telling something कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की वाइफ है। मे बी वहां से कुछ हेल्प। गो 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 देखो जाके। कम ऑन आए किधर तुम क्या करता है? ठीक कर इधर। अभी तक परमिशन नहीं आई। वो आगे स्टेशन आने वाला है वहां सब प्रेस होगी फिर क्या कर लूंगा मैं। एटीएस हमको स्टेशन पे नहीं मारेगा। Where has this girl gone? पता नहीं आ जाएगा वापस। हम लोग को किसी तरह स्टेशन पे पहुंचना होगा ठीक ठाक। कहाँ है डोगरा? सर लो। हाँ सर जी ओके सर ओके।
राम टिंकल टिंकल लिटिल स्टार व्हाट यू आर टिंकल टिंकल लिटिल स्टार. बाबा अभी हमको कौन फोन करता है? ये तो मोनिश का है, तुम बात करो ना. हेलो पॉल स्पीकिंग. बात करो बात करो बात करो. अरे बात करो बात करो. अरे पर मैं क्या बताऊंगी. हेलो वो मोनिश, मैं नहीं बता सकती मोनिश के बारे में. हेलो देखिए मोनिश को मार दिया गया है. ही इज डेड. अभी हम किधर जाएंगे यहां से निकल के? हमारे पीछे एटीएस लगाए. आप लोग कुछ भी करके बाहर आओ स्टेशन के. हमारी ओबी वैन खड़ी है, मैं भी यही हूँ. अच्छा। अब लाइव इंडिया लिखा हुआ है ओबी वैन पे. आपका ओबी वैन ठीक है, हम आता है. थैंक यू. Wonderful news. मेरा हस्बैंड आप लोगों का हेल्प करेंगे. He has already talked to the governor and governor's PA is on his way. अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, इनके हस्बैंड कैबिनेट मिनिस्टर हैं. एक इट इज ऑल बाहर अभी भी खतरा टला नहीं है. डॉक्टर माइकल जी, इनका पति कैबिनेट मिनिस्टर. हेलो, हम सत्यम शर्मा बोल रहे हैं. मुख्य अतिथि कितना बड़ा आपने इंट्रोडक्शन देगी तुम. मंत्री साहब को थोड़ी पता है. ये सोचो वो लोग बाहर हैं, तुम बाहर कैसे जाओगे? बाहर ऐसे जाएंगे दादा. जी जी बोला जी, था मैं. सारी समस्या को हमने संभाल लिया है. हम 1970 बैच से इलाहाबाद से हैं. मैडम और बाबा हमारी देखरेख में हैं. जी जी जी, आप जल्दी पहन के बाहर आइए. जल्दी पहन के. थैंक यू सर. थैंक यू जी. हमने मैडम को और बाबा को परेशानी नहीं आने दी. आपका बाबा तो एकदम स्वीट स्वीट लॉन्ग हेयर है. जी जी मंत्री जी. अरे सुनिए, आपके पिताजी एटीएस, उनके पिताजी के पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं. बात कीजिए. पिताजी ध्यान सुनिए, सुनाई दे रहा है ना? हाँ हेलो जी. जी सर जी. हाँ जी. तो दीजिए दीजिए दीजिए. जी 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 मंत्री जी, कमिश्नर हैं. जाइए 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 जी. Thank God. आपको नहीं, भगवान को. क्या चाहते थे सर? मेरी गोली इस बच्चे को चीरती हुई उस पागल क्रिमिनल तक पहुंचती? नहीं सर, यह सब मैंने ट्रेनिंग में नहीं सीखा. शट अप. जाइए जाके पुलिस लाइन में रिपोर्ट कीजिए. सारे काम दिमाग से नहीं होते सर, कभी कभी. इजाजत. अभी हम आप सबको रात भर का आंखों देखा हाल सुना दिया. हमको जो मालूम था आपको सब सच सच बता दिया. अभी न्याय, जस्टिस, ये सब आप लोगों का हाथ में है. उच्च न्यायालय ने कमिश्नर यादव के खिलाफ हो रही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पर रोक लगा दी है. और उधर केंद्र सरकार ने राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है. आइए इस बारे में जनता का विचार जानते हैं. आपने देखा लाइव टीवी में? हाँ. ये सब जो हो रहा है मुल्क में, आपके ख्याल से ठीक हो रहा है क्या? कोनी कोनी पड़ी छे, बदा पोताना मा बिजी छे. अब ऐसा सब सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मारी पास पण टाइम नथी. तमे तमारो जो हूं मारु जो. ओ छड्डो यार, कोई फर्क नहीं पेंदा. अगर हो सकता तो आप भी करवा लीजिए बदलाव, ऐसे तो आएगा नहीं. सानू की आई माइंड माई बिजनेस, यू माइंड योर बिजनेस. सर नेशनल टीवी पे अरेस्ट देम. What?
किस जुर्म में सर? तुम्हें भी पुलिस लाइन जाना है क्या? वो अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, नंगी नुमाइश का वारंट निकलवाऊं मैं? गेट आउट सर। अभी केशव बच गया, अभी हमको और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। Ha 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 ha